हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी की रेसिपी। मैं इस रेसिपी को ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाली हूं और ये गट्टे की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैं ले रही हूँ बेसन। मैं यहाँ टोटल 1.5 कप बेसन ले रही हूँ। इतने बेसन से हमारे खूब सारे गट्टे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाल देंगे, ये आप ज़रूर डालिएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे ये अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर हमारे गट्टे में बहुत अच्छा आता है, साथ ही कई लोगों को बेसन से एसिडिटी भी हो जाती है, तो ये अजवाइन एसिडिटी नहीं होने देती। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको आप कूट कर या क्रश करके डालें। और साथ ही डाल देंगे ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब दही। मैंने यहाँ फ्रेश दही लिया है, आप फ्रेश दही या फिर खट्टा दही कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ आप बहुत सारा पानी मत डालिएगा क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो अब हम इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बेसन गट्टे बनाने के लिए तैयार है। मैंने इसको ना ज़्यादा टाइट रखा है ना ही बहुत ज़्यादा गीला किया है। अब इस आटे को हम डिवाइड कर लेंगे। इसकी एक लोई लेंगे और इसको इस तरह हाथों की हेल्प से सिलेंड्रिकल शेप में गट्टे बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे गट्टे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे गट्टे तैयार हैं। और यहाँ मैंने पहले से पानी गर्म करके रखा है। 1.5 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 कप पानी गर्म किया है और ये पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब इसमें हमारे तैयार किए हुए गट्टे डाल देंगे। इन गट्टों को अब फुल फ्लेम पर पानी में अच्छे से उबलने देंगे और इतनी देर हम सब्जी की बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़े साइज का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और कुछ कलियां लहसुन की। इन सभी को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। तो मैंने इन सभी को अच्छे से पीस लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। एक कटोरी लेंगे और इसमें हम डालेंगे दही। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दही लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। साथ ही इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इस सब्जी में थोड़ा ज़्यादा डलेगा, तो मैं यहाँ पर 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सब्जी के लिए मसाला बनकर तैयार है। इसको हम साइड में रख देते हैं। इधर हमारे गट्टे भी अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इनको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये गट्टे ठंडे हो चुके हैं, इनको मैंने अलग निकाल लिया है और ये थोड़ा सा गट्टे का पानी बचा था, तो इसको हम आगे सब्जी में यूज ले लेंगे। अब इन गट्टों को हम काट लेंगे। इनको मैं इस तरह छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। इसी तरह सारे गट्टों को काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सारे गट्टों को काट लिया है और मैंने इनको इस साइज में काटा है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं और इनको पतला भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये साबुत लाल मिर्च। ये आप जरूर डालिएगा, इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही अब इसमें डाल देंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये देखिए, इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी काफी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ दही वाला मसाला। इसको भी अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए, दही हमारा पकना शुरू हो गया है, पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दही एकदम सूख ना जाए। तो हम इसको ढककर पकाएंगे। तो इसको पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, बस आप बीच बीच में इसको चलाते रहिए। और ये दही भी काफी सूख चुका है, हमारा मसाला अब तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे काटे हुए गट्टे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारा मसाला इन पर कोट कर देंगे। और अब जो हमारा गट्टे का पानी बचा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इसमें थोड़ी ग्रेवी कम लग रही थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। आप ठंडा पानी मत डालिएगा, या तो गर्म पानी डालिएगा या फिर गुनगुना पानी डालिएगा। और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको ढककर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, गट्टे भी हमारे पक चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। देसी घी हमारी इस सब्जी का टेस्ट डबल बढ़ा देगा, तो घी आप ज़रूर डालिएगा। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी ट्रेडिशनल गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, परांठे के साथ सर्व करें। ये गट्टे की सब्जी सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।